that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Hello, Namaskar. मैं मनोवैज्ञानिक काउंसलर राजेंद्र जोधपुरिया पेरेंटिंग टिप्स वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मछली को हम अगर उड़ने के लिए कहें तो क्या वो उड़ पाएगी? चलो मछली से ये काम करवाने की हम कोशिश कर लेते हैं। मछली को जितना मर्जी उड़ने का कहा जाए लेकिन वो उड़ नहीं पाएगी, और हम मछली पर गुस्सा करें कि तुझे अकल नहीं है, तुझे उड़ना नहीं आता क्या, तेरे से उड़ा नहीं जाता क्या, उड़ना सीख। मछली ऐसा कभी नहीं करेगी, हम निराश हो जाएंगे। चलो हम भी अपना अहंकार नीचे नहीं गिराते, ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, तो मछली को दूसरा काम दे देते हैं। उसे कहते हैं कि तू पेड़ पर चढ़। क्या मछली पेड़ पर चढ़ पाएगी? जी हाँ, ऐसा भी कभी नहीं होगा, मछली पेड़ पर भी नहीं चढ़ पाएगी। अब हम और अधिक गुस्से से भर जाएं कि ना तो तेरे से उड़ा जाता है, ना तेरे से पेड़ पर चढ़ा जाता है, तो तेरे से होगा क्या। अब हम एक नया काम मछली को देते हैं, वो काम है उसे पानी के अंदर तैरने का काम दिया जाए। अब मछली इस काम को बखूबी कर लेती है और उस काम को उसे करना भी आता है। तो जी हाँ, मछली ना उड़ने के लिए बनी है, ना वो पेड़ पर चढ़ने के लिए बनी है, वो तो बनी ही तैरने के लिए है, और उसी में उसकी खुशी है, उसी में ही उसकी खुद की संतुष्टि है। अगर हम अपने बच्चों के साथ ये मछली वाली बात अप्लाई करें, ये मछली वाले काम उसे दें, तो कैसा रहेगा? अगर बच्चे को ये कहें कि तू वो काम कर जिस काम को तुझे करना नहीं आता, जैसे एक बच्चे के अंदर गुण है लेखक बनने वाले, और उसे कहते हैं कि तू डॉक्टरी की पढ़ाई कर, तू एक डॉक्टर बन के दिखा, तू डॉक्टर अच्छा बन सकता है, तो क्या बच्चा डॉक्टर बन पाएगा? जी हाँ, वो डॉक्टर बन जाएगा तो एक लेखक डॉक्टर रहेगा वो हमेशा, ना वो डॉक्टरी के पेशे से हमेशा खुश रहेगा, ना उसे आनंद आएगा। चलो अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई अच्छे से नहीं करता है, आप फिर भी हार नहीं मानेंगे, उसे दूसरा काम देते हैं कि आजकल इंजीनियर बड़ा पैसा कमा रहे हैं, उसे इंजीनियर बनाते हैं। बच्चा ये काम भी नहीं कर पाता है तो हम दुखी हो जाते हैं और उसे शिकायत करते हैं कि ना तो तुझे डॉक्टरी की पढ़ाई अच्छे से हो रही है, ना तूने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तू जीवन में करेगा क्या, भूख मरेगा क्या। ये कहानी काफ़ी बच्चों के साथ दोहराई जाती रही है, दोहराई जा भी रही है। क्या इससे कोई नया परिणाम सामने आता है? सिर्फ और सिर्फ मानसिक परेशानियां ही बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, जो इंसान जिस काम के लिए बना है उसी काम को करे तो वो दुनिया को कुछ नया दे सकता है, दुनिया के अंदर वो कुछ नया बदलाव ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। तो माँ बाप होने के नाते हमें वो काम उसका पहचानने की ज़रूरत है, उसका वो क्षेत्र दरियाफ्त करने की ज़रूरत है कि वो कौन से क्षेत्र में जाए तो वो खुश रह सकता है, वो अपनी ज़िंदगी के आनंद को मान सकता है। तो माँ बाप अगर पेरेंटिंग के ज़रिए थोड़ा सा भी बच्चे का फ़ायदा करना चाहते हैं तो उसका उस क्षेत्र को पहचानने में सहयोग करें जिस क्षेत्र में उसकी खुशी है। 3 डी में कहा गया है कि हम अगर जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में पैसा कम भी कमा लें लेकिन रहेंगे तो खुश, अगर हमारा खुशी का क्षेत्र हमें मिल जाए तो हमें पैसे भी उस क्षेत्र से मिल जाते हैं। तो पेरेंटिंग के अंदर हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमारा बच्चा बना किस काम के लिए है, क्योंकि हर काम हर इंसान के लिए उपयुक्त नहीं होता और हर इंसान हर काम के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि पता नहीं इस वीडियो के ज़रिए किस बच्चे को, किस माँ बाप को वो अपना क्षेत्र मिल जाए जिस क्षेत्र में उनकी खुशी हो।